नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी मधुमेह रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए कुछ एक आसान घरेलू उपायों के बारे में जानते हैं। वैसे तो आप सभी हमारे चैनल पर बहुत सारे एपिसोड्स सुन चुके हैं, लेकिन आप सभी को इसीलिए मैं बहुत बड़ी भूमिका कि इसके होने के कारण जैसे कि और इसके लक्षण इन सब पे बात नहीं करके आइए सीधा आपको कुछ एक आसान होममेड रेमेडीज बताते हैं जिनके प्रयोग से आप इसे दूर कर सकते हैं। आंवले का रस, जामुन के पत्तों का रस और बेल के पत्तों का रस प्रत्येक को बराबर मात्रा में लेकर के इसको प्रतिदिन प्रातःकाल एक चाय के चम्मच भर की मात्रा में सेवन करने से मधुमेह रोग भाग जाता है। रस हर रोज़ नया एवं ताज़ा बना करके ही प्रयोग में लाना चाहिए। मेथी दाना 6 ग्राम लेकर के थोड़ा कूट लें और शाम के समय 250 ग्राम जल में भिंगो दें। सुबह इसे खूब घोंटें और किसी साफ स्वच्छ महीन कपड़े से छानकर बिना मीठा मिलाए पी जाएं। यह प्रयोग 2 महीने तक करने से मधुमेह रोग में बहुत लाभ होता है। 2 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच सौंफ मिलाकर किसी कांच के ग्लास इत्यादि पात्र में 200 ग्राम जल में रात्रि के समय भिंगो दें और प्रातःकाल छान करके पी जाएं। जिन रोगियों को मेथी गर्मी करती हो, ऐसे गर्म प्रकृति वाले मधुमेह एवं अल्सरेटिव कोलाइटिस के रोगियों को यह प्रयोग अधिक लाभकारी सिद्ध हुआ है। जामुन के 4 हरे एवं नरम पत्ते बारीक कूट करके 60 ग्राम जल में रगड़ करके छान कर प्रातःकाल निरंतर 10 दिन तक पिएं। इसके बाद इस प्रयोग को प्रत्येक 2 महीने बाद 10 दिन करें। जामुन के पत्तों का यह रस मधुमेह रोग में अत्यधिक गुणकारी होता है। रोग की प्रारंभिक अवस्था में जामुन के पत्ते 4-4 नग सुबह शाम चबा करके खाने से 3रे दिन ही मधुमेह रोग में लाभ होता है। जामुन के अच्छे पके फल 60 ग्राम लेकर के 300 ग्राम उबलते हुए जल में डालकर ढक दें और 30 मिनट बाद जामुनों को मसल कर छान लें। इसके 3 भाग करके एक एक मात्रा दिन में 3 बार सेवन करने से डायबिटीज के रोगी के मूत्र में शर्करा बहुत कम हो जाती है। नियम पूर्वक जामुन के फलों के मौसम में कुछ समय तक निरंतर इसे सेवन करने से रोगी बिल्कुल रोग रहित यानी कि स्वस्थ हो जाता है। जामुन के फलों की गिरियों को छान करके या छाया में सुखाकर चूर्ण बनाकर प्रतिदिन सुबह शाम 3-3 ग्राम की मात्रा में कम से कम 21 दिन तक लेते रहने से मधुमेह रोग दूर होता है और मूत्र घटता है। जैसा कि हम आप सभी के लिए पीछे यानी कि पहले बताते आ रहे हैं कि केवल चने यानी कि बेसन की रोटी अथवा उसमें जौ का आटा बराबर मात्रा में मिला करके रोटी बना करके चौगुनी सब्जी के साथ खाना मधुमेह रोग में बहुत ही लाभप्रद होता है। केवल चने की रोटी 10 से 12 दिन तक खाने से पेशाब में शक्कर जाना बंद हो जाता है। जौ को भूनकर आटे की तरह पीसकर रोटी बना करके खाना भी बहुत लाभकारी होता है। शक्ति के अनुसार मधुमेह के रोगी को सुबह शाम लंबी दौड़ लगानी चाहिए। इस प्रयोग से भी बिना औषधि सेवन किए ही पेशाब में शक्कर आना रुक जाता है। यदि दौड़ न सकें तो खूब टहलना चाहिए। संपूर्ण शरीर में तेल मालिश करना भी लाभकारी होता है। केवल दही फल और साग सब्जियां खा करके ही 2-3 सप्ताह रहने से मूत्र में से चीनी गायब हो जाती है, किंतु ध्यान रहे कि मिठाइयां खाने पर फिर पुनः चीनी निकलना शुरू हो सकता है। अतः रोटी या चावल के साथ चौगुनी मात्रा में तरकारी यानी कि सब्जियां खानी चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार योगासनों विशेषकर मयूरासन, अर्धमत्यासन, धनुरासन, भुजंगासन, पद्मासन, गर्भासन का नियमित प्रतिदिन अभ्यास करने से कुछ दिनों में ही मधुमेह रोग ठीक हो जाता है। केवल अग्निसार, धौती, भ्रस्त्री का उड्डयन बंध के साथ पश्चिमोत्तासन और फेफड़ों को शक्ति पहुंचाने वाले प्राणायाम के अभ्यास से मधुमेह रोगियों को स्थायी लाभ हो सकता है। अब आइए जान लेते हैं इसमें पथ्यापथ्य क्या होता है यानी क्या खाएं क्या ना खाएं। मधुमेह रोग से ग्रस्त रोगी को दही फल, हरी साग सब्जियां, धनिया, बथुआ, चौलाई, पुदीना, पत्ता गोभी, खीरा, ककड़ी, लौकी, बेलपत्र, नारियल, करेला, मूली, जामुन, नींबू, टमाटर, गाजर, प्याज, अदरक, छाछ, भींगे, बादाम इत्यादि अधिक लेना चाहिए। करेला तो मधुमेह में अमृत के समान लाभकारी होता है। केवल करेले के सेवन से ही रक्त में ग्लूकोज काफ़ी घट जाता है। तले हुए करेले या करेले का साग खाने वाले रोगियों में भी ग्लूकोज की सहनशीलता काफ़ी मात्रा में पाई गई है।
मीठे का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। चावल, स्टार्च, मीठे फल और तंबाकू हानिकारक होते हैं। ज़्यादा मानसिक परिश्रम एवं बदहजमी से भी बचना चाहिए। दिन में सोना हानिकारक होता है ऐसे लोगों के लिए। पानी एक साथ न पी करके घूट घूट करके पीना चाहिए, तब लाभकारी होता है। जी हाँ दोस्तों, तो मधुमेह रोग से मुक्ति पाने के लिए ये कुछ आसान होममेड रेमेडीज थी। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।